नमस्कार, मैं हूं पारुल गंगवार और आप देख रहे हैं यूपी की आवाज। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। अपनी बंदूक की नली को साफ कर रही इस महिला का नाम शहाना बेगम है। ये एक ऐसा नाम है जिसे सुनकर लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करने वाले मनचलों की हालत बिगड़ जाती है। शहाना ने ये हथियार सिर्फ महिलाएं और लड़कियों की हिफाजत के लिए उठाए हैं। आलम यह है कि उसके गांव और आसपास के इलाकों में छेड़छाड़ की घटनाएं शायद ही कभी होती होंगी। अगर शहाना को शिकायत मिल जाए तो वह अपनी बंदूक की दम पर उन लड़कों को सबक सिखाने की हिम्मत रखती है। कई बार ऐसे मौके आए जब मनचलों और शहदों को शहाना ने सबक सिखाया है। उनका कहना है कि कानून तो अपना काम करेगा ही, लेकिन छेड़छाड़ करने वालों को सबसे पहले वो खुद सबक सिखाती है। यही वजह है कि शहाना को इलाके के लोग लेडी विद गन के नाम से पहचानते हैं। शहाना का कहना है कि अगर जरूरत पड़ी तो महिलाएं और लड़कियों की हिफाजत के लिए उनकी बंदूक से गोली भी निकल सकती है। हथियार मैंने इसलिए उठाया है कि इस हिंदुस्तान में महिलाओं के संग बहुत जुर्म हो रहे हैं। हमारी माँ बहनें, हमारे घर की, हमारे पड़ोस की, हमारे क्षेत्र की लड़कियां माँ बहनें, हमारी सब माँ बहनें, उनके साथ जुर्म हो रहे हैं। वो हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहे। हमने हथियार अपनी और अपनी माँ बहनों की बचत के लिए अपने हाथ में हथियार उठाया है। ये हथियार मेरा वादा है, मेरा दावा, जब तक मेरे हाथ में हथियार है मेरे क्षेत्र की महिलाओं और लड़की माँ बहनों सब संग कोई जुर्म नहीं हो सकता है। अगर होता है और स्वयं वहां पर मैं मौजूद हूँ तो हमें गोली मार देने का अधिकार है। तो किस तरीके लोग डरते हैं छेड़छाड़ करने से भी आपके इलाके में? वो सिर्फ हमारे दम से, हमारी वजह ये है, हमारे खौफ से, हमारे नाम से। हमको लोग कहते हैं बंदूक वाली चच्ची, चच्ची के नाम से यहाँ इस बात का दहशत कम है। कहना चाहूंगी शहाना बेगम के बारे में कि उन्होंने वो जो भी काम करी है बहुत सराहनीय है। बहुत ज्यादा गर्ल्स जो आजकल बाहर नहीं निकल पाती हैं घर से, उन्हें फील नहीं होता है कि हाँ वो सेफ हैं। तो उनके प्रोटेक्शन के लिए जो शहाना बेगम ने आवाज़ उठाई है उसके लिए मैं उनके फेवर में हूँ। और जो काम पुलिस को करना चाहिए था तो पुलिस अपना काम नहीं कर रही है, लेकिन वो एक औरत हो के उन्होंने आवाज़ उठाई है जिन्हें उनके नाम से जाना जाता है, दैट इज़ बंदूक वाली आंटी। सो मैं उनके फेवर में हूँ एंड आई एम वेरी प्राउड टू बी हर। थैंक यू वेरी मच।